ಅಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಯಾರು ಕುಡಿತೇ ಬಂದು ಓ कैसे निकालते हैं? हैं? कैसे निकालते इसको? हाँ जी आए ऐसे उखाड़ ले, ऐसे उखाड़ ना निकालता हूँ भैया। हमें गुच्छी मिल चुकी है जिसका बेसब्री से इंतजार था, फर्स्ट टाइम ढूंढी मैंने। वाह, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी। और ढूंढते हैं, एक और मिल चुकी है। जल्दी जल्दी जल्दी, एक और मिली। हाँ एक मेरे को भी मिली कसुरो इधर। वाह, एक कोई इधर जल्दी। हाँ ये देखो गाइस, ये देखो, एक मेरे को मिली है। किधर? योगेश को मिली है। कहाँ है? किथे? ठहर ठहर, इधर ही थी कहीं। किथे गई है किसी? यहाँ पे भी मिली थी एक गुच्छी, बट अब पता नहीं गायब ही होगी, मिली नहीं रही है। मतलब वो काफी छोटी थी, तो देखते मिलते ही नहीं मिलती है। बड़े ध्यान से देखना पड़ता है ना, बड़े ध्यान से। चलो देखते हैं, अगर मिलती तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। जो छोटी वाली गुच्छी ढूंढ रहे थे पहले, हमें दिखी एकदम से गायब होगी। सो देख सकते हो आप कहाँ घुसी हुई। देखो देखिए कितनी छोटी सी है ये। तो ये ढूंढी है मेरे पति देव ने, और इस टाइम तक हमें 3 गुच्छियाँ मिल चुकी है। रख दो ऊपर, ये देखो ये मिली अभी हमें 3। आगे आगे आपको दिखाते हैं, ये देखो। वाह, सो गाइस हमें एक और गुच्छी मिल चुकी है, बट फिर से गायब हो गई। गायब नहीं है, मिल गई कहाँ ये। कहाँ? वाह जी वाह, कितनी घास के अंदर छिपी होती है। देखो ये देखो, वाह जी वाह। वाह, 2 योगेश ने ढूंढी, 2 मैंने। और मिल गई मेरे को इधर पूरी घास में छिपी हुई। नहीं, एक ये, एक ये आजू बाजू कहाँ पे मिली? ये। वाह, वाओ, देखो कैसे। पूरी घास में छिपी होती, देखो वाओ, ये देखो, पूरी निकालनी पड़ती है ना इसकी, पूरी देखो रूट्स पूरी फिक्स होती है मिट्टी के अंदर। नहीं नहीं साथ में एक और है। ओ माय गॉड, एक और है, एक और 3। तीन। वाह देखो गाइस, एकदम से मैं निकालने, ये देखो देखो कहाँ घास में छुपी है गाइस। देखो पत्ते गिरे हुए ना, सेम इसी की तरह लग रही है। कोई नहीं अबे बोल देखो, सकते, कोई ये नहीं जज नहीं देखो कर सकता है। कि देखो ये देखो ये देखो ये इधर नहीं, देखो, अंदर छुपी है। ये तीनों साथ में ही थी गाइस। देखो छोटी थोड़ी सी है, मतलब इनको हाय हाय कहाँ गई ये है। ये देखो 1 2 3, देखो साथ में लगी हुई है गाइस। ये देखो मतलब कि तो हमारी ये सब, तीन एक साथ मिल गई हमें। ये देखो इसकी, ये देखो रूट्स देखो आप, ये हमें पूरी निकालनी पड़ती है। मतलब रूट्स नहीं, बट ये मिट्टी लगी हुई है ना, तो कितनी देखो अंदर होती है। ये देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है। ये देखिए तीनों साथ में थी, तीनों बहनें। ये देखो मतलब कि अगर एक मिल जाए तो उसके सराउंडिंग में 1 2 मिलती मिलती है। जो हमने पहले ढूंढी उनकी सराउंडिंग में ही मिली वो भी है ना। ये देखो 3 मिल गई, और कितनी मैंने 4 ढूंढ ली है, बाकी मेरे पति देव ने ढूंढ लिए। बिल्कुल सेम देखो, पूरे घास में बिल्कुल अंदर होती है, उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से। फर्स्ट टाइम मेरे को मिली। अब मैंने, क्योंकि मेरे नाखून ना देखो कितने वो हो गए हैं, इनको खोल खोल के। अब मैं मैं निकालता हूँ। क्यों, मैंने ऐसे निकालूंगी अब। देखो इस लकड़ी से, ये देखो पूरी निकलाई। देखो रूट कहाँ, ये देखो लकड़ी टूट गई है, कितनी मतलब कितनी फिक्स होती है। ये देखो पूरी मिट्टी आ गई सर। देखो ज़्यादा ठंड में पड़ती है ना ये। देखो बिल्कुल लग रहा है आपको, पता कहीं पे होगी। रुको
देखो बिल्कुल नहीं लग रहा, पता कि दिखाओ कहाँ पे, देखो कहाँ पे घुसी है, ये देखो ये देखो पूरी बैंड हो गई हुई है, ये देखिए ये योगेश को मिली, योगेश को ज्यादा बड़ी बड़ी मिल रही, मेरे को छोटी छोटी, मैं बोल रही थी इसके साथ में एक और मिलेगी हमें, देखो ये देखो पूरी बैंड हो गई हुई है, सी आप देख सकते हो हमें ये गुच्छे मिली है, और इसमें से ज़्यादा मतलब हम दोनों ने बराबर बराबर ही ढूंढी ऑलमोस्ट, और मैंने फर्स्ट टाइम ढूंढी क्योंकि मुझे मतलब पता था कि गुच्छियाँ पड़ती, बट बचपन में था चाची के साथ आते हम ढूंढने के लिए पर नहीं मिलती थी, बट इस टाइम मुझे इकट्ठे 5-6 मिली तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुच्छियाँ मिली। और ये जो है मतलब जैसे गर्मी आने वाली होती है ना, ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, मतलब बीच में जैसे अभी मौसम है, जैसे अभी मार्च में और जैसे बरसात होती है या फिर बिजली वगैरह गरजती है ना, तो बोलते हैं कि उससे जो है वो ये गुच्छियाँ गिरती है। मशरूम मतलब ये देखो बिल्कुल इसकी शेप भी मशरूम की तरह है ऑलमोस्ट, देखो। और ये सब मतलब दुनिया मेरे को लगता है ये मतलब कि सबसे महंगी सब्जी है, कितने आप मेरे को नहीं पता कितने किलो की कितने, दवाइयों के लिए भी यूज हाँ होती है। दवाइयों के लिए भी यूज होती है, एज अ हम लोग वेजिटेबल उसको खाते हैं, और इसकी जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। पिछली बार पापा ने खिलाई थी हमें होली में, और पापा लाए चंबा में, तो आज हम लोग चंबा में इसकी सब्जी बनाएंगे, है ना, और दिखाऊंगी मैं आपको कैसे कैसे इसकी सब्जी बनाते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग कितने घने जंगल में आए हुए, देखो पहले तो हमारी इधर बगीचा है सेब का, देख सकते हो आप कितना घना जंगल है, तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं, तो और यहाँ पे हमारा सेब का बगीचा है जो जहाँ पे हमने ढूंढी वहाँ पे भी हमें मिली मतलब ना, और ज़्यादा ये मतलब नीचे होती है बिल्कुल, मतलब पता नहीं चलता कि यहाँ पे मिल सकती है, आप देख सकते हो कहाँ पे आए हुए हम। खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी सारी हमने ढूंढ ली है ना, इतनी सारी ढूंढ ली और फर्स्ट टाइम ढूंढी, और मेरे को सपना ही पड़ा था आपको पता सुबह अर्ली मॉर्निंग की मेरे को यहाँ पे एक मिली, फिर साथ में 3 मिला, सच में वैसे ही हुआ, सच में मिली, हम बस स्पेशली गुच्छियाँ ढूंढने के लिए आए थे और मिल भी गई, आज जाके सब्जी बनाएंगे इसकी और आपको भी दिखाएंगे कैसी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है इसकी। पर मेहनत तो बड़ी लगती है यार ढूंढने में, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि और भी मिल जाए हमें, देखते हैं, इतना बड़ा डंडा लिया वो मैं देखो। चलो चले फिर। A few moments later. हेलो किशु, किशु कहाँ जा रहे हो आप? गुच्छी लेने जा रहे हो? ओके, अब हम किशु के साथ जा रहे हैं गुच्छी लेने के लिए, अब देखते हैं कि हमें गुच्छी मिलती है कि नहीं मिलती है। किशु के पापा ढूंढ रहे हो, देख सकते हो आप, तो किशु ये गुच्छी है। नहीं 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 अभी नहीं, रुक जाओ, पापा को कहाँ पे? ओए वाओ, किसी ने गुच्छी ढूंढ ली, ओए हट हट हट, ऐसे निकाल, टूट गई हुई है, वाओ ये गुच्छी है, वो एक वो है, एक ये भी है, वाओ हुई, वाओ ये देखो बच्चे, ये तो पूरी घुसी हुई है यार, धस गई है पूरी, ये देखो कुछ, ओहो ये टूट गई है कुछ, कोई नहीं इसको रहने दे, नहीं ले लेते इसकी जड़ें, ये देखो कुछ ये पूरे अंदर घुस गई थी, ये देखो एक ही और एक कुछ, देखो कितनी बढ़िया कम है। आपके हाथ में देंगे कुछ, डोंट वरी, ठीक है, अब आप फोटो लेंगे किशु के हाथ में, लो बोलो वाह, इधर से पकड़ो, इधर से नीचे से, यहाँ से आओ दिखाओ, वाह किसी के पास गुच्छी आ गई, वही अच्छे से ढूंढो, किशु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुच्छी ढूंढ रहे हो, मिली आपको हैं? अच्छा 2 मिल गई, ओए वाह, गाइस हम लोग खान द्वारा फिर से गुच्छी ढूंढने के लिए आ गए, इस बार हम किशु को भी साथ ले आए क्योंकि ये भी बड़ी जिद कर रहा था कि मैंने गुच्छी ढूंढनी है, बट जैसे हम ढूंढने आए किशु मेरे साथ आया, वैसे मैं 2 गुच्छियां मिल गई मेरे को, किशु को कितनी गुच्छियां मिली किशु, पापा देखो, अच्छा पापा को दिखाना, ओके पापा को दिखाते रुक जाओ, तो अभी हम मतलब आधा घंटा हो गया, अभी हमें 2 गुच्छियाँ मिली है, सुबह तो हमने काफ़ी गुच्छियाँ ढूंढी थी, कोई 10-12 गुच्छियाँ ढूंढी थी, तब भी हमें 2 घंटे लगे थे, बट अभी
गुच्छी गुच्छी मैंने पापा को दे दिया है, तो अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने कोई 2-2.5 बजे के करीब चंबा भी निकलना है आज, तो हमने सोचा चलो आज फिर से एक बारी ढूंढ लेते हैं, 2 घंटे अगर मिलती है ठीक है, नहीं मिलती फिर भी देखा जाएगा। और किशु को तो बड़ा शौक चढ़ा वो गुच्छी ढूंढने का ना, किशु कितनी गुच्छी मिली किशु? टू। ओके चलो फिर चले ढूंढने के लिए। तो मैं और किशु थक गए थे, थोड़ी देर बैठ गए थे, अब फिर से ढूंढते हम लोग। चलो किशु चले ढूंढने के लिए, इधर देख कहाँ है कांटा। ओ माय गॉड कांटा, ये नहीं कांटा बीबा, ये ग्रास है। आज आराम से देखो, वेरी गुड, आराम से आओ ना बेबी। किचु यार डेस्क कहाँ पहुंच गया, किचु कहाँ जा रहे बेबी? आराम से जाना, आराम से जाइए किसी। किशु के आने से ना हमें यहाँ पे इकट्ठे ही 5-6 मिली। देखो गाय कहाँ छिपी होती, देखो ये देखो 2-4 और एक यहाँ जैसे, हाँ ये 5, देखो कहाँ छिपी हुई, ये देखो किशु नो मतलब हमारा आने का फायदा हो गया। देखो वाह, ये सारी योगेश ने ढूंढी है, जो पहले हमें मिली थी वो छोटी थी और ये वाली जो मिली है बड़ी बड़ी है। वाह देखो कहाँ थी, बाय गॉड मतलब पूरे से ना नजर ऐसे रखनी पड़ती है तब जाके मिलती है। देखो ये देखो वाह, दोनों हैंडों से गुड बॉय, दोनों गुड बॉय, ये हक करो हक करो। अब दादा दादा के करो, दादा को करो, दादा के दादा को फिर टच करो, तोड़ दिया मम्मा को दे, मम्मा को दे दे वो पूरा अलग ही टूट गया। दादा के फिर टच करो, फिर चल पड़ना है दोनों हैंड उसे। गुड बॉय गुड बॉय, आप किशु करो दादा को, दादा को किशु। फाइनली गाइस आज हम लोग निकल चुके हैं चंबा के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नहीं बोल सकते, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी टाइम शाम के 3:30 हुए हैं। तो हमने सोचा क्योंकि कल वैसे ही मौसम ख़राब बता रहे हैं, तो कल मैंने स्कूल भी जाना है, तो हमने सोचा आज ही निकल जाते हैं क्योंकि रोड का भी यहाँ पे पंगा रहता है। तो अभी हम चले हुए रास्ते में, और आपको जैसे पता ही हमने आज गुच्छियाँ ढूंढी काफ़ी ज़्यादा, सुबह से लगे हुए थे। पहले हम लोग सुबह गए थे, फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के सेकेंड टाइम भी सेकेंड मतलब कि 12:00 बजे फिर से गए थे, फिर से हमें 7-8, और इस बार किशु ने भी एक गुच्छी ढूंढी, तो काफ़ी किशु को भी लग गया पता कि गुच्छी नाम की कोई चीज़ होती है। तो आज मैं चंबा जाके, आज या फिर कल जो मैं चंबा जाके सब्जी बनाऊँगी, गुच्छी बहुत ही टेस्टी होती है। और क्या, और अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, और किशु चला हुआ साथ में, देख सकते हो किशु, हेलो कर दो से, हेलो इधर इधर देख के, इधर हेलो करो हेलो। तो अभी हम फिर से यहाँ पे ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, कि कई बार होते ना ऐसे गिरी रहती है गुच्छियाँ, तो हम देख रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और यहाँ पे तो देख के चलना पड़ता है क्योंकि रोड रास्ता जो वो उबड़ खाबड़ है, तो बाद में मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मंदिर है, दादा जी का मंदिर आता रास्ते में, किशु को जाया करवाने की कोशिश करवा रहे हैं हम लोग, जाया करो, किशु को गुस्सा आया हुआ है कि पैदल चलाया हुआ ना हमने, इसलिए किशु को गुस्सा आया हुआ, तो नहीं जाया करो बेटा, जाया करो, जॉइन योर हैंड करो, गुड बॉय गुड बॉय, मैं बात मानता ऐसे करते जय हो प्रभु में करो, गुड बॉय ऐसे करते करो, आदू भी करता है, इसको नींद लगी हुई यार तब ये तो आज। चलो फिर चलते हम लोग। सो गाइस हम लोग जो है जब हम स्कूल से आते थे ये रास्ता हुआ करता था हमारा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे गुच्छियाँ ढूंढते थे, मैं चाची के साथ आती थी गुच्छियाँ ढूंढने के लिए, बट मेरे को आज तक कोई गुच्छी नहीं मिली, पर आज फाइनली मैंने कितनी 5-6 गुच्छियाँ ढूंढी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, बहुत ही ज़्यादा। और आप यहाँ पे देखो ये, इसको हमारी लैंग्वेज में खुरपू बोलते हैं, ये जो है गिर गया नीचे,
शीट में दिखाती हूँ आपको, इसको बड़े अच्छे से धोना पड़ता है क्योंकि पूरा देखो मिट्टी 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 लगी हुई है। इसको धो के बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, बहुत ही टेस्टी होता है ये। चलो फिर चल गाइस, आप देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल के पास, जहाँ से मैंने अपनी 8th क्लास पास आउट की है। और अभी हमें कहाँ पे पहुंचना है, जो सामने रोड दिख रही है हमें अभी यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ से हमने गाड़ी लेनी है। और अभी किशु यहाँ पे बोल रहा है रेस्ट कर लेते थोड़ी देर के लिए, छोड़ो इसको नीचे, छोड़ो इसको नीचे, मम्मा ने जहाँ से पढ़ाई की है ना वो ये स्कूल है। चलो उतरो, ये मम्मा स्कूल, मम्मा ने यहाँ पे पढ़ाई की है, पता है आपको? मम्मा ने यहाँ पे पढ़ाई की है, दादा ने यहाँ पे पढ़ाया है। दादा ने पता है आपकी मम्मा को पढ़ाया है किशु? दादा ने आपकी मम्मा को पढ़ाया है, पता है आपको? दादा ना मेरे टीचर थे, आपके दादा मेरे टीचर थे, पता है आपको? पढ़ाते थे मुझे। चंबा में जो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे उधर तो बारिश हुई नहीं, बट जब हम यहाँ पे आए क्रिया से आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और यहाँ पे भी बारिश लगी हुई है, तो आप देख सकते हो। जब भी हमारे स्प्रिंग रोल आ चुके हैं और बाहर लगी हुई है बारिश, तो बारिश में स्प्रिंग रोल खाने का मजा कुछ और है। क्यों क्यों किशु? किशु नहीं खाएगा बट तो अभी स्प्रिंग रोल खाए, जस्ट मजा आ गया खाने का, बहुत ही टेस्टी बने थे। ऊपर से बारिश लगी हुई है, तब तो बारिश में मन करता ही खाने का कुछ पकोड़े या फिर स्प्रिंग रोल या फिर मोमोज वगैरह, मजा आ गया खाने का। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे। अच्छा, अब भूख भी लगी थी इसीलिए काफी अच्छा लगा खा के।